सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टेक टिप को और बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट एप्लीकेशन। हेलो दोस्तों, तो नोकिया एक के बाद एक अपना नया स्मार्टफोन जो वो लॉन्च करते जा रहे हैं और यहाँ पर दोस्तों आज नोकिया ने चाइना में कर दिया अपना नोकिया 7 को लॉन्च। तो यहाँ पर आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में और उसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक टिप में। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूं कि आपके लिए आने वाला नया साल पिछले साल से बहुत सारी खुशियों के साथ जो है वो भरा हुआ हो। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे यहां पे बात करूं अब नोकिया 7 के बारे में, तो वो जो दोस्तों जो स्मार्टफोन है वो चाइना में दोस्तों आज जो है वो लॉन्च कर दिया है नोकिया ने। और दोस्तों, उसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूं तो वो जो दोस्तों स्मार्टफोन है वो नोकिया 3 से 5 से 6 से नोकिया 8 से काफी दोस्तों जो है वो अलग दिखता है उसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। इस टाइम जो है दोस्तों नोकिया ने अपनी बिल्ड में थोड़ा बहुत जो वो चेंजेस कर दिया है और लुकवाइज भी वो दोस्तों जो स्मार्टफोन है वो थोड़ा बहुत जो है वो बाकी स्मार्टफोन से अलग हमको दिख रहा है। दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूं उसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, दोस्तों इस बार आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है वो आपको बैक साइड मिलता है और बैक में आपको सिंगल कैमरा मिलता है, प्लस आपको नीचे की ओर दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो मिल जाता है और फ्रंट में दोस्तों आपको 5.2 इंच की फुल एचडी जो 1080 पिक्सल्स वाली डिस्प्ले जो है वो मिल जाती है और इस बार आपको जो ग्लास बैक मिलता है और दोनों साइड आपको जो गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट भी जो है वो मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं उसके प्रोसेसर के बारे में, दोस्तों इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 630 आपको इसमें प्रोसेसर मिलता है, प्लस एड्रेनो का 508 जो आपको जीपीयू के साथ जो वो मिल जाते हैं और इसमें आपको दो रैम वेरिएंट के ऑप्शन भी मिलते हैं, 4GB रैम और 6GB रैम। और दोस्तों, इसमें आपको जो लेकिन जो इंटरनल स्टोरेज मिलती है वो आपको दोनों वेरिएंट में सेम ही जो है वो मिल जाती है। इसमें आपको 4GB में भी आपको 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है, प्लस दोस्तों आपको इसमें 6GB रैम वेरिएंट में भी आपको इसमें 64GB इंटरनल स्टोरेज ही मिलती है। लेकिन आप इसमें माइक्रो एसडी कार्ड को इंस्टॉल करके दोस्तों आप इसकी स्टोरेज को जो है बढ़ा भी सकते हैं। अगर हम बात करो दोस्तों इसके कैमराज के बारे में, तो दोस्तों इसमें आपको बैक में सिंगल कैमरा ही मिलती है और जो कैमराज है वो दोस्तों 12 MP का एक सिंगल कैमरा मिलता है और फ्रंट कैमरा आपको जो 5 MP का दोस्तों मिल जाता है और यहाँ पे बैक का जो एपर्चर है वो शायद दोस्तों f1.8 का और दोस्तों जो फ्रंट कैमरा का एपर्चर है वो f2.2 या फिर f2.5 का। दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं आपसे बैटरी लेवल के बारे में बात करूं, दोस्तों इसमें आपको मिलती है 3000 mAh की आपको इसमें बैटरी मिल जाती है, प्लस आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट जो वो मिल जाते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपको जो एंड्रॉइड वर्जन मिलता है वो मिलता है आपको 7.1.2 नोगर। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे क्लेम किया है नोकिया ने कि आपको जो वो ओरियो की अपडेट बहुत ही जल्दी जो स्मार्टफोन के अंदर जो वो मिलने वाली है और प्राइस के बारे में बात करूं दोस्तों, 4GB वाले वेरियंट की जो चाइना के अंदर प्राइस है वो करीब करीब दोस्तों 24,000 और 6GB वाले वेरियंट की जो है वो 26,000 चाइना के मुताबिक जो है वो प्राइस है। दोस्तों, इसके इंडियन लॉन्च के बारे में अभी कुछ भी जो है वो अता पता नहीं है, लेकिन नोकिया जो है वो एक या फिर 1.5 महीने के बाद नोकिया 7 को दोस्तों इंडिया में जो है वो लॉन्च कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इसके प्राइस रेंज के मुताबिक अगर इंडिया के अंदर भी दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो करीब करीब 28,000-25,000 से लेकर 28,000 के बीच में जो है वो हो सकती है। तो दोस्तों, जो स्मार्टफोन है वो स्पेसिफिकेशन के साथ बहुत ही बढ़िया है। लेकिन दोस्तों, इंडिया में अभी मोटो X4 भी जो है वो लॉन्च होने वाला है, बाद में OnePlus 5T भी जो है वो लॉन्च होने वाला है, तो ऐसे में दोस्तों नोकिया 7 जो है वो जितनी जल्दी लॉन्च हो जाए वो ही बढ़िया है। अदरवाइज दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है उसकी कॉम्पिटिशन बहुत ही टफ होने वाली मोटोरोला के मोटो X4 के साथ, बाद में दोस्तों मोटो Z2 प्ले के साथ, तो ऐसे में दोस्तों नोकिया को बहुत ही जल्दी अपना जो नोकिया 7 स्मार्टफोन है, अभी क्या हुआ कि नोकिया 8 अभी अभी जो वो इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ है, तो नोकिया 7 अभी अभी जो वो एक या फिर 1.5 महीने के बाद लॉन्च जो हो सकता है, लेकिन ऐसे में उसकी कॉम्पिटिशन जो बहुत ही टफ जो है वो होने वाली है। दोस्तों, अब देखना यह रहेगा कि नोकिया 7 इंडियन वेरियंट के मुताबिक दोस्तों कौन से नए स्पेसिफिकेशन के साथ होता है और दोस्तों कौन सी प्राइस के साथ जो है वो होता है। दोस्तों, अब आप मुझे नीचे कॉमेंट्स करके बताइए कि आपका क्या कह रहे हैं नोकिया 7 के नए स्पेसिफिकेशन के बारे में और दोस्तों उसकी प्राइस रेंज को लेकर। तो फिलहाल के वीडियो बस इतना ही। आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे वीडियो कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके रोजाना ही इसी तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। मैं दीप आपसे जल्दी मिलूंगा एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, सेम प्लेस सेम चैनल टेक टिप। थैंक यू, जय हिंद।